नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल बॉलीवुड पैसेंजर में। बॉलीवुड के खतरों के खिलाड़ी निर्माता निर्देशक रोहित शेट्टी गोलमाल और सिंघम जैसी शानदार फिल्मों की सीरीज दे चुके हैं। अब आज हम बात करेंगे सिंघम के नेक्स्ट सीरीज के बारे में। जी हाँ साथियों, सिंघम सीरीज की दो फिल्में सिल्वर स्क्रीन पर अपना जादू चला चुकी है। जी साथियों, सिंघम में अजय देवगन काजल अग्रवाल के साथ और फिर सिंघम रिटर्न में करीना कपूर के साथ नजर आए थे साथियों। अब सिंघम 3 की बात करें तो इसमें दीपिका पादुकोण बतौर लीड एक्ट्रेस नजर आएंगी साथियों। सिंघम के नए पार्ट में ट्विस्ट की बात करें तो इसमें हमारे पुराने सिंघम अजय देवगन को बराबर की टक्कर देने के लिए लेडी सिंघम के रोल में नजर आने वाली है हमारी प्यारी दीपिका पादुकोण। तो सिंघम के तीसरे सीक्वल में पुलिस ऑफिसर के किरदार में अजय ही नहीं बल्कि दीपिका पादुकोण भी नजर आएंगी साथियों। सिंघम के इस तीसरे पार्ट को रोहित शेट्टी ही डायरेक्ट करने वाले हैं साथियों। उनकी फिल्मों के एक्शन सीक्वेंस को सभी लोग खूब पसंद करते हैं। दृश्यम के बाद अजय देवगन भी भोला की शूटिंग में व्यस्त थे। भोला की शूटिंग खत्म होने के बाद उनके पास सिंघम को लेके वो सुर्खियों में आ गए हैं साथियों। जी हाँ साथियों, आपको ये भी बता दें कि रोहित शेट्टी ने अब तक 15 फिल्म की है, जिसमें चेन्नई एक्सप्रेस, दिलवाले और सर्कस के अलावा रोहित शेट्टी की हर फिल्म में अजय देवगन लीड रोल निभा चुके हैं साथियों। सिंघम 3 के टेंटेटिव रिलीजिंग डेट की बात करें तो ये अपने धुआंधार एक्शन के साथ 31 दिसंबर 2023 को सिनेमाघरों में दस्तक दे देगी साथियों। तो अपने एक्साइटमेंट लेवल को बताते हुए कमेंट कीजिए और आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।